श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम सायंकाल दिनांक 3 मई 1940 को दिया गया। प्रवचन संख्या 4, विषय त्याग वैराग्य उपरामता जितनी हो उतनी ही शोभा है। वैराग्य ऐसा हो कि कोई प्रबंध में भी टाइम नहीं लगावे, चाहे कोई आओ चाहे कोई जाओ। वैराग्य धारण करने की चीज है। कोई वक्त किसी से बात हो गई तो हो गई, नहीं तो अपने ध्यान में मस्त रहे। वैराग्य और उपरामता दोनों ही रखें। यह गृहस्थ में ही सन्यास है। साधु बनकर असाधु हो जावे तो आपत्ति है, असाधु होकर साधु नहीं बने तो कोई बात नहीं। साधुओं में जितना त्याग वैराग्य और उपरामता अधिक हो उतनी ही शोभा है। त्याग स्वरूप से पदार्थों का त्याग, जैसे सन्यास आश्रम में है। संयम समग्र प्रकार से इंद्रियों को अपने काबू में रखना। वैराग्य जिसमें राग न हो। इंद्रियों द्वारा विषयों के त्याग का नाम उपरामता नहीं है। उपरामता यानी वृत्तियां उस तरफ जाए ही नहीं। जैसे मांस से घृणा करने वाले की वृत्ति मांस की दुकान पर जाती ही नहीं। हट से त्याग करना त्याग है, उपरामता नहीं। जिसमें विरक्ति होकर वृत्ति जावे ही नहीं, वह उपरामता है। भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय के 58 नंबर श्लोक में उदाहरण दिया। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगा नीव सर्वशः इंद्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसमें वैराग्य और उपरति दोनों हैं, उनके अंतर्गत त्याग है। त्याग से ऊंचा दर्जा संयम का है, संयम से ऊंचा वैराग्य, और वैराग्य से ऊंचा दर्जा उपरामता का है। राग होने पर इंद्रियां कठिनता से वश में होती हैं। संयम और वैराग्य है तो साधक उपरति चाहे जब कर सकता है। जैसे आंख खुली है तो बंद कर लो। राग का अभाव वैराग्य है। राग का हेतु रमणीयता और सुख बुद्धि है, उसमें अज्ञान हेतु है। जैसे स्वप्न के पदार्थों में सुख होना, मूर्खता के कारण ही मनुष्य ने उसमें सुंदरता और सुख बुद्धि समझ रखी है। जैसे हजामत कई प्रकार से बनवाते हैं, वस्त्र भी कई प्रकार के बनवाए और पहने जाते हैं। यदि सुख एक ही प्रकार के वस्त्र में होता तो उसी से होता। यही बात हरेक प्रकार के पदार्थ में है। सुंदरता तो बहुत ही गई बीती है, सबको अलग अलग सुंदरता मालूम होती है। किसी स्त्री को पीला, किसी को नीला, लाल आदि रंग सुंदर लगता है। रूप में सब अपनी अपनी कल्पना ही है। इसी प्रकार नाना प्रकार की रसोइयों की बात है। 5-6 प्रकार की रसोई,
व्यंजन, खाने की वस्तु की क्या जरूरत है? एक ही प्रकार की वस्तु जो बढ़िया हो उसे ही क्यों नहीं खाते हो? गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में आया है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार एक परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है। सत्संग की बातों से जो आनंद आता है वह सात्विक आनंद है। उपरांता में वैराग्य की जितनी ही कमी है उतनी ही उपरांता कम दामी है। गीता के चौथे अध्याय के 26वें श्लोक में आया है, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्य सैमाग्निषु जुहति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। अर्थात अन्य योगी जन श्रोतादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। अमृत का भोजन रसा स्वादन है। इंद्रिय रूपी अग्नि में विषय की आहुति दी जा रही है, राग का अभाव है, नेत्रों से स्त्री को देख रहा है, परंतु स्त्री को देखने में जो स्वाद आता है वह नहीं है। इसी प्रकार कानों से निंदा स्तुति सुनता है पर उसमें द्वेष और राग नहीं है। इसी तरह सुगंध की बात है, इस प्रकार राग रहित जिसकी इंद्रियां विचरती हैं वह प्रसाद को प्राप्त होता है। संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का हवन है, विषयों से वृत्ति को कछुए की तरह समेट लें। गीता के 6वें अध्याय के 24वें श्लोक में आया है, संकल्प प्रभवान कामस्त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, मन सैवेन्द्रे ग्रामं विनियम्य समन्ततः। अर्थात इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके दम्भ हट और राग रहित हटाना, राग रहते हुए। यह तीन प्रकार से होता है, दम्भ तो नरक में ले जाने वाला है, हट साधक की अवस्था है, राग रहित हटाना महात्मा की स्थिति है। साधना में द्वेष और घृणा बुद्धि रहती है पर आगे चलकर इसको भी त्यागना पड़ता है, मान को विषय के समान समझकर त्याग करें और निंदा को अमृत के समान समझें। यह साधक के साधन काल की हालत है। पुण्य के त्याग में कोई देर नहीं लगती पर पाप का त्याग नहीं होता, उसे भोगना ही होगा, यानी उसका त्याग कठिन है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण 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 ஆனந்தியானந்தியான சாந்தி சாந்தி சாந்தி.